सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट है हमारे पास, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो फंक्शन एक्स को फॉलो कर रहा है. हम सबको पता है अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है देन एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी. जहाँ जहाँ भी हमारे पास एक्स दिख रहा है वहाँ पर हमें ज़ीरो पुट करना पड़ेगा. सो एफ ऑफ ज़ीरो पहले हम इवेलुएट कर लेते हैं कितना आ रहा है. एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास आएगा जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर ज़ीरो लगाइए. सो ये हो जाएगा माइनस ए देन माइनस बी एंड देन ओनली ए ज़ीरो एंड देन ज़ीरो माइनस सी इज़ माइनस सी एंड देन अगेन ज़ीरो प्लस बी इज़ बी ओनली ज़ीरो प्लस सी इज़ सी ओनली एंड देन ज़ीरो. सो ध्यान से देखिए ये हमारे पास वही डिटर्मिनेंट आ गया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था. ऑल राइट, चलिए फिर भी हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं एक बार. सो हम सबको पता है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 है. सो इसका डिटर्मिनेंट 0 आना ही आना है. बट फिर भी हम इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे. हमें पता है, वी नो दैट अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें बात बराबर होती है. सो हम इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स का ट्रांसपोज कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 0 ए एंड बी देन माइनस ए 0 एंड सी एंड देन माइनस बी माइनस सी एंड 0. ऑलराइट, सो ये इसके ट्रांसपोज करने के बाद एलिमेंट्स आए. नाउ हमने क्या किया, हमने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में से माइनस 1 को कॉमन आउट ले लिया. सो हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर माइनस 1 फ्रॉम, आप चाहे तो कॉलम से बाहर ले सकते हैं या फिर रो से बाहर ले सकते हैं. सो हमने आप लिखा C1 C2 एंड C3. सो देखिए हमें क्या मिलता है. सो हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो को सॉल्व कर रहे थे, हमने कॉलम 1 में से माइनस 10 कॉमन लिया. सो माइनस 1 बाहर आया, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 0 देन ए एंड बी देन हमने कॉलम 2 में से भी माइनस 10 बाहर लिया. सो ये हो जाएगा माइनस ए 0 एंड प्लस का सी एंड देन हमने माइनस 10 कॉमन लिया कॉलम 3 में से भी. सो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी एंड 0. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बन के आ रहा है वो एक्चुअल में एफ ऑफ ज़ीरो ही तो है. देखिए 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0, बी सी 0. ऑलराइट, सो हम इसको बोल सकते हैं ये तो हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस में 1 टाइम्स ऑफ अगेन एफ ऑफ ज़ीरो, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम थी आपके पास. नाउ इसको आप बोल सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो जब ये चीज़ वहाँ जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी. एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू आपको एक वैल्यू 0 मिलने वाली है, विच इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो मस्ट बी इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट वॉट एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 इज 0. हैंस ये चीज़ आपकी प्रूव्ड हो गई, हैंस प्रूव्ड. ऑल राइट, सो ये तरीका है इन क्वेश्चन को करने का जहाँ भी आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखती है जिसका ऑर्डर 3 है. सो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया. इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए.